गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक इवनिंग व्लॉग बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे अप्रैल थोड़ी सी एक्साइटेड लग रही है। अब ये एक्साइटेड क्यों लग रही है मैं बताने वाला हूँ आपको। वो दिख रहा है वहाँ पे एक छोटा सा, एक मोटा सा, और वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली। तो ये मंकीज अभी काफ़ी टाइम से हमारी इस कॉलोनी में घूम रहे हैं, और ये इतने फ्रेंडली है ना यार कि मैं मतलब ये मेरे साथ आराम से, मतलब मैं इनको रोटी डालता हूँ, ये हाथ से लेके जाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं। पता है कि लोगों की क्या मेंटेलिटी बनी हुई है इनको लेके, ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि यार ये तबाही मचाते हैं, ये सारी इधर उधर मतलब परेशानियां खड़ी करते हैं लोगों के लिए। बट ऐसा नहीं है यार। आप जिस तरीके से एनिमल को ट्रीट करोगे ना, एनिमल आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम इनके सामने हमारा ऐसा इंप्रेशन रखते हैं कि इनको लगता है कि यार ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप जब भी इनके पास जाओगे, ऐसे ऐसे इनको प्यार करने के लिए जाओगे, ऐसे प्यार करोगे इनको, तो ये आप पे उल्टा हमला करेंगे। तो वही है ना, अपोजिट रिएक्शन जैसा, वही वाला सीन होता है इनके साथ भी। बस यार, सारे जानवर, सारे एनिमल्स सिर्फ प्यार के भूखे हैं। बातें तो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं पर ये ट्रूथ होता है कि आज और कोई होगा ना मेरी जगह, तो उसका पता है क्या रहेगा, एक मोटी सी लकड़ी होगी हाथ में, और वो लकड़ी लेके इनके पीछे भागेगा। बस ये होगा। अब उससे इनके माइंड में क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इंसान बेकार होते हैं। मगर ऐसा नहीं होता यार, इनके साथ में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अगर हमारी कॉलोनीज में हमारे आसपास आते हैं, तो अगर हम इनके साथ इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे, तो यार ऑब्वियस है ना, ये हमारे साथ मतलब इम्प्रॉपर बिहेव ही रहेगा इनका भी। तो यही होता है। अभी जैसे वो दिख रहा होगा एक मंकी आपको वहाँ पर, तो ये पता नहीं कहाँ से पपीता लेकर आ गया। तो अभी ये पपीते के अंदर बिजी है बहुत। अभी ये यहीं पर ही था, पड़ा था इसका पपीता, अभी ये वहाँ पर लेके चला जा चुका है और वहाँ पर खा रहा है अभी। और ये बैठी एक और बंदरिया, और वहाँ पर एक और ऊपर। तो अभी फिलहाल इनका यही सीन है यार। इस वाले बंदर का पता है एक हाथ नहीं है इनका। और वो वहाँ पर देखो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है वो। तो अभी सर्दियों के टाइम पे बस पूरे दिन भर ये यहाँ पर हमारे घर पर छतों पर आकर मस्तियाँ करते रहता है। और ये हमारी अप्रैल जी, जो किसी भी काम की नहीं है फिलहाल बंदरों को लेके, ये बस बंदरों को देखती है और थोड़ा बहुत बस ऐसे हिलती डुलती है, और कुछ करती है नहीं। ये बस देखेगी और कुछ भी नहीं होगा बस इसका आगे बंदरों के साथ। अब देखो पूरी फैमिली आ रही है यार। डर भी लग रहा है मेरे को फ़ोन लेके, क्योंकि एक जने का फ़ोन लेके चले गए थे ये अभी, तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मेरा ही कहीं फ़ोन ना लेके चले जाएं। ये देखो इतने क्यूट क्यूट से। ये पता है ये इस बच्चे को मैं कब से मेरी नज़र है इसके ऊपर यार। ये ऐसा भागा दौड़ी कर रहा है ना, बस ये एक ही डर रहता है कि यार ये ना सड़क पर ना चले जाएं। क्योंकि क्या है कि अगर स्ट्रीट्स पे चले जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, तो फिर वहाँ पर खतरा रहेगा इनको डॉग्स से। डॉग क्या इनको छोड़ेंगे नहीं, ख़त्म कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। अब बताओ क्या दिक्कत दे रहे हैं, ये बस घूम ही तो रहे ना, और दिक्कत थोड़ी ना दे रहे हैं। ये अप्रैल। सो अभी इनको रोटी खिलाइए, एक और फुटेज ट्राई करेंगे देने की। चलो एक और ट्राई करते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा रोटी का। वो नीचे देखो और डॉग्स हैं वहाँ पर। वो देखो वो देख रहा है वहां से चुप चुप के। सो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग मत करना प्लीज, क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके कर रहा हूँ। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखोगे तो क्या पता मंकी आपके हाथ, मतलब आपसे आपका हाथ भी ले जा सकता है, बाइट भी कर सकता है आपके हाथ पे। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अप्रैल वो रही, और कहाँ गई अप्रैल, ये रही अप्रैल। अप्रैल अप्रैल कौन है, अप्रैल कौन है, कौन है? और बताओ, ऐसा जर्मन शेफर्ड देखा है कहीं जो भौंकता भी नहीं हो किसी को? ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ब्लॉग के साथ, पॉसिबल हुआ तो कुछ अच्छा सा टॉपिक भी डालने की कोशिश करेंगे वीडियो में। ये देखो कैसे उतरने का प्रयास जारी है इसका। ओ वाओ, वो पपीता उसने वहीं पर ही छोड़ दिया है। अब ये बड़ा वाला मंकी आया, इनका अल्फा। चलो भाई ये ले लिया इसने।